यह वीडियो क्लास 8 के भूगोल विषय से बनाया गया है। एनसीईआरटी का क्लास 8 का भूगोल विषय का यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यह हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। कृत्रिम धागे किसके उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है? यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, गुड़ और खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ और खांडसारी को मिलाकर इसका स्थान पहला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कब और कहाँ चीनी मिल की स्थापना हुई थी? भारत में सर्वप्रथम है तो सर्वप्रथम कहाँ स्थापना हुई थी? तो मढ़ौरा बिहार 1903 ईस्वी में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैसा उद्योग जिसके उत्पादन सीधे उपभोक्ता करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह के उद्योग को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग सीधे उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, किस उद्योग को उद्योगों का जनक कहा जाता है? किस उद्योग को उद्योगों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोह उद्योग को। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लोह इस्पात का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था? तो लोह इस्पात का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा तमिलनाडु में यह स्थापित की गई थी। उसके बाद 9वां प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। कहाँ में? तो साक्षी नमक स्थान में, ये बिहार में था उस वक्त, अभी झारखंड में है। 10वां प्रश्न है, विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वां। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में स्पंज उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? स्पंज उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत का। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का बर्किंगहम किसे कहा जाता है? भारत का बर्किंगहम किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।